हमारे सीएससीबी जेई हो रही है कि बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सर बेसिक इलेक्ट्रिकल भी कर लिया, अच्छे से कर लिया, मशीन भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, लेकिन सर फिर भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। क्योंकि कई बच्चों के मैसेज देखता हूँ, टेलीग्राम पे देखता हूँ, व्हाट्सएप पे देखता हूँ, सर समझ में तो सब आ गया लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट भूल जा रहा हूँ। बड़ा खौफ है सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कैसे दूर होगा सर? मतलब अल्टीमेटली हम बात करें तो सीएससीबी जेई में आपके जो सबसे बड़ा रोल अदा करने वाले हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इनके दम पे आपका पेपर निकलने वाला है। और बाकी के आपके जो भी एचवीडीसी एचवीएसी वो भी हैं, ऐसा नहीं कि वो भी उनका वेटेज नहीं है, उनका भी वेटेज है, लेकिन यहाँ से आपका सिलेक्शन वाला पार्ट होने वाला है। और सर अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं किया तो मतलब हम सिलेक्शन से बाहर चले जाएंगे। चलो आपके लिए खुशखबरी देता हूँ मैं आपको, जो भी हमारे बच्चे हैं और जो भी कहीं पे भी पढ़े हो आज दिन तक, आपने जहाँ पे भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो या जो भी है, सबसे पहला अनाउंसमेंट आपके लिए ये करता हूँ कि जो भी हमारे धनुष बैच के एस्पिरेंट हैं, अभी आपको 27 वीडियो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, डेली का आप एक वीडियो करिएगा, ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। आज 26 तारीख है, अगर डेली का एक वीडियो भी करोगे ना आप, तो भी आपके पास 26 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 3 मार्च को आपका पेपर है, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके लिए एक 3 सेशंस लेके आऊँगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो आप बोलते रहते हो ना सर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दीजिएगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिनको हम पढ़ के हम चले जाएँ, हमारा काम आ जाए सर, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है, क्योंकि वो चीज़ें जब मैं बताऊँगा ना आपको वो समझ में ही नहीं आएगी, वो तभी समझ में आएगी जब आप ये वीडियो देख लोगे। जैसे तैसे करके इनको कंप्लीट करिएगा, फाइनल मेरे लिए पे छोड़ दीजिएगा, मैं 3 सेशंस में आपको पूरा कॉन्क्लूजन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको देने वाला हूँ। जो भी हमारे धनुष बैच में एस्पिरेंट्स हैं तो उसके अंदर मेरा सेशंस होने वाला है, चाहे आपका धनुष बैच 1 शॉट वाला हो या आपके पास फुल कोर्स हो, 3 दोनों के अंदर हमारा सेशंस होने वाला है। और जो बच्चे कहीं से के भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते रहिएगा, अपने अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिएगा, ओके। और अगर आपको पार्ट बनना है तो डेफिनेटली आप धनुष बैच का बन सकते हो, क्योंकि ज़्यादा प्राइस नहीं है, आपकी डिमांड पे हमने प्राइस को रिड्यूस कर दिया था, 999 रुपीज़ ही उसका कोर्स का प्राइस है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट भी आ गए और 20 MCQ सेट भी आ गए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसे भी आप वहाँ पे जाके अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपका HVDC HVAC वीक है या बेसिक इलेक्ट्रिकल या पावर जो भी वीक है वो आपको मिल जाएगा। और अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो होगा वो 1 शॉट होगा। 1 शॉट का मतलब है कि उसके अंदर आपके पास एक प्रिसाइज वे में आपको कंटेंट दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फुल कोर्स में तो सब कुछ ही दिया हुआ है, लेकिन 1 शॉट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बताई गई है, और इस टाइम पे बेनिफिशियल आपके लिए वही होगा। और फुल कोर्स भी लेना चाहो तो ले सकते हो, उसमें भी 1 शॉट भी है और फुल कोर्स भी है, उसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं है, 1449 है जेई के लिए, और AE का भी कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, तो जिनको करना है वो कर सकते हो। लेकिन मेरे को पता है यार अभी हम फुल कोर्स नहीं कर सकते हैं, ओके। हमारे पास एक प्रिसाइज वे में जिनसे हमारा काम हो जाए, कम पढ़ें और ज़्यादा आउटपुट दें, वो वाली चीज़ें हैं हमारे पास। तो आप चिंता मत करिएगा, आपके लिए सेशंस मैं लेके आऊँगा, और सबसे पहले जैसा मैं बोलता हूँ जैसा आप करते जाइएगा, ओके। और नोट्स अपने हिसाब से शॉर्ट में जरूर बनाइएगा, PDF तो आपको अवेलेबल वहाँ पे करवाए रखिए, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।